प्रत्यय के प्रथम वीडियो में आपका स्वागत है। आप बने हुए हैं दीप संस्कृत क्लासेस में, आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं तो आप निश्चित रूप से कर लें, जिससे कि आपको अन्य टॉपिक भी समय पर उपलब्ध हो सकें। यह 25 प्रश्नों का सेट आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे आप अपने तैयारी का आकलन कर सकते हैं। नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो सही उत्तर है नर प्लस नीम। अज प्लस टाप में कौन सा शब्द बना है? अज प्लस टाप से कौन सा शब्द बना है? तो अजा, अजो, अजा, अजम। तो सही उत्तर है अजा। पटु प्लस तल के योग से कौन शब्द बनेगा? पटु प्लस तल, पटुता, पटुतम, पटुत्वम, पाटुवम। पटु प्लस तल से शब्द बनेगा पटुता। लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तरप, तमप, तरम, मयट। तो सही उत्तर है तरफ। आपको इसके उत्तर में किसी प्रकार का डाउट हो तो वीडियो के नीचे इसके लिंक भी दिए गए हैं महत्वपूर्ण प्रत्यय के, आप उससे भी मदद लेकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगत्य शब्द में कौन प्रत्यय है? क ऐ, ख घ, ग ल्यप, घ यत। आगत्य, तो सही उत्तर है ल्यप, आ प्लस गम प्लस ल्यप। भू प्लस सत्री से कौन शब्द बनेगा? भवानी, भवनम, भवन, भवत। तो सही उत्तर है भवत। राजन प्लस नीप से कौन शब्द बनेगा? क रानी, ख रजनी, ग राज्ञी, घ राजनी। राजन प्लस नीप से शब्द निर्माण होगा राज्ञी। मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? क चाप, ख टाप, ग डाप, घ नी। मूर्खा, तो सही उत्तर है मूर्ख प्लस टाप। सुंदर तमम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? सुंदर तमम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तरव, तमप, मयट, स्थल। सुंदर तमम, तो आंसर है सुंदर प्लस तमप। मनुष्य प्लस त्व से कौन सा शब्द बनेगा? मनुष्यता, मानुषत्वम, मनुष्यत्वम, मनुष्य। मनुष्य प्लस त्व, तो शब्द होगा मनुष्यत्वम, क्योंकि त्व प्रत्यय का त्वम शेष होता है। प्रच्छ प्लस अक्त्वा से कौन सा शब्द बनेगा? पृष्ठवा, प्रच्छवा, प्रच्छत्वा, प्रच्छकत्वम। प्रच्छ प्लस अक्त्वा, तो सही उत्तर है पृष्ठवा। पठनम में कौन प्रत्यय है? पठनम, क अक्त, ख अक्तवतु, ग ल्यूट, घ अनम। तो सही उत्तर है पठ प्लस ल्यूट, पठनम। किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? किशोर प्लस निप, ख नीस, ग नीन, घ ते। किशोरी, तो सही उत्तर है किशोर प्लस निप। सीमन प्लस डाप में कौन सा शब्द बनेगा? सीमना, सीमनी, सीमा, सीमंडा। सीमन प्लस डाप, तो सही उत्तर है सीमा। गम प्लस यत के योग से कौन सा शब्द बनेगा? गम्यम, गाम्यम,
गेयम गम्यत। तो गम प्लस यत सही उत्तर है गम्यम। शिव प्लस अन से कौन सा शब्द बनेगा? क शैव, ख शिव, ग शिवा, घ शिवाना। तो शिव प्लस अन सही उत्तर है शैव। लघिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लघी, ख इमा, ग इमनिच, घ मा। तो सही उत्तर है लघु प्लस इमनिच। क्री प्लस अक्तवतु से कौन सा पद बनेगा? कृतवान, कर्ता, कृतः, कार्यम। क्री प्लस अक्तवतु, तो सही उत्तर है कृतवान। लेखिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? लेखिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? क चाप, ख टाप, ग डाप, घ नीस। तो सही उत्तर है लेखक प्लस टाप। अश्व का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अश्व का स्त्रीलिंग रूप क अश्विनी, ख अश्वी, ग अश्वा, घ अश्वनी। तो अश्व का स्त्रीलिंग रूप अश्वा। राजन का स्त्रीलिंग रूप होगा, राजन का स्त्रीलिंग रूप होगा रानी, राज्ञी, राज्ञी, राज्ञिया। तो राजन का स्त्रीलिंग रूप राज्ञी। क्री प्लस अक्त्वा के योग से शब्द बनेगा कृत्वा, 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 कृत्वा। तो सही उत्तर है क्री प्लस अक्त्वा कृत्वा। सर्वत्र में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? क तीप, ख त्रल, ग त्रक, घ त्रल। सर्वत्र, तो सर्व प्लस त्रल। गमनियम में कौन सा कृत प्रत्यय है? तव्यत, अनियर, न्यत, यत। गमनियम, तो सही उत्तर है गम प्लस अनियर। जन प्लस तल से क्या बनेगा? जनता, जनक, जनतल, जनाका। जन प्लस तल, तो सही उत्तर है जनता। इस प्रकार आपने चेक कर लिया होगा कि आपके कितने उत्तर सही हुए और आपकी तैयारी कैसी है। आप लिंक से निश्चित रूप से मदद लें ताकि आपके बहुत सारे कंसेप्ट उससे क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।